नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड ईयर एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। इस सीरीज़ में आज आप एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक छोटे छोटे योगों के ऊपर आधारित है और ये योग कैसे बनाने होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं भाग्य लग्नाधिपति योग। भाग्य लग्नाधिपति योग का मतलब होता है जब हमारे भाग्य वाले घर का रिलेशन लग्न के साथ किसी भी तरीके के साथ हो जाए। दूसरा होता है कर्म लग्नाधिपति योग। कर्म लग्नाधिपति योग का मतलब है जब हमारे कर्म वाले घर का संबंध लग्न के साथ किसी भी तरीके के साथ हो जाए। जिस होरोस्कोप के अंदर नौवें घर और दसवें घर का रिलेशन किसी भी तरीके से लग्न के साथ हो, चाहे वो एक्सचेंज हो जाए, चाहे वो एस्पेक्ट में बैठ जाए, वो हमारा सबसे बेस्ट योग माना जाता है। और उस योग में अगर आप अपने नाम के ऊपर या अपनी इन्वॉल्वमेंट से किसी भी तरीके से कारोबार स्टार्ट करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो छोटी सी एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें हम भाग्य लग्नाधिपति योग और कर्म लग्नाधिपति योग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर होरोस्कोप की बात की जाए तो यहाँ पर हम इमेजिनरी कोई भी लगन ले लेते हैं। सात नंबर लगन अगर हम ले लें तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं भाग्य लग्नाधिपति योग। भाग्य लग्नाधिपति योग का मतलब होता है जब भाग्य वाले घर का जो लॉर्ड है वो मरकरी है और लगन वाले घर का जो लॉर्ड है वो वीनस है। अगर ये दोनों किसी भी तरीके से एक्सचेंज हो जाए, लगन में भाग्य वाले घर का मालिक और लगन वाले घर का मालिक नाइन्थ हाउस में बैठ जाए। इसके बाद कर्म लग्नाधिपति योग। कर्म लग्नाधिपति योग का मतलब होता है जब कर्म वाले घर का लॉर्ड चाहे वो लगन में या चाहे वो नाइन्थ हाउस में बैठ जाए। तो मान लीजिए अगर हम इसको चंद्रमा को लगन में लिख देंगे तो इस योग को हम भाग्य कर्माधिपति योग, भाग्य लग्नाधिपति योग और कर्म लग्नाधिपति योग कहा जा सकता है। ऐसी पोजिशन में इंसान को अपने जो प्रोफेशन गिविंग प्लैनेट है उन्हें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी पोजिशन में अगर जातक अपने नाम पे, अपने फादर के नाम पे कोई भी कारोबार कर लेगा तो उसको हर कारोबार में रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। लेकिन हमारे कारोबार के अंदर धन और लाभ का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर धन और लाभ को साथ में कंसीडर किया जाए तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बड़े अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो अब तक के लिए हम इन्हीं छोटे से योगों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।